मैम आपने इसके लिए फोन किया है? हेलो हेलो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सर, मैं मोंटू मनोज अर्चना कोल बात कर रहा हूँ और मेरे को एक मर्डर रिपोर्ट करने का है सर। इधर मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका मर्डर होने वाला है? मेरा मर्डर होने वाला है सर। वो मैंने मेरे मम्मी का फेवरेट वाला वाज वेज क्या बोलते हैं वो तोड़ दिया और अभी छिपा के रखा है, लेकिन मेरे को पता है मेरे होशियारी से वो नहीं छिपने वाला है। मम्मा ढूंढ के निकालेगी और फिर मेरा, अरे वो कुछ होता है ना वो हो जाएगा सर, मेरा मर्डर होने वाला है सर। वो मम्मी मेरा मर्डर कर देगी अंकल। ए मोंटू किससे बात कर रहा है? पुलिस वाले मामा है, मैंने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है। दे दे मेरे को जरा एक इमरजेंसी के बारे में बात करना है। बाबा लूज मोशन के बारे में वो जान के क्या करेंगे? मोंटू फोन दे रहे, इनका खत्म ही नहीं होता। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले तो सत्यमेव जयते, जय हिंद, मेरा भारत महान, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा। हो हाँ ऐसा देश है मेरा। वो हमारे घर के नीचे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, रोज रात को एक आदमी एक कपड़े में ही ना चक्कर काटता है। हाँ सर, आप अपना एड्रेस बताइए और कुछ और डिटेल्स दीजिए। हाँ आप मेरा एड्रेस लिखिए। हाँ और सर आदमी है ना वो डंडा लेके आता है और रात को 9 बजे से ठीक सुबह 5 बजे तक घूमता रहता है बिल्डिंग में। आहो वो नया वाला वॉचमैन है। कौन है फोन पे? अरे वो इमरजेंसी कॉल सेंटर वाले इंस्पेक्टर साहब है। अरे अच्छा हुआ, दो मुझे जरा नया चोरी का एक कंप्लेंट करने का है। हेलो सर, मैं मोंटू की मम्मा, मेरे घर पे चोरी हुई है। हाँ क्या चोरी हुई है? इतना महंगा वाज चोरी हुआ है मेरे घर से। हाँ हाँ तो मिसेज मोंटू की मम्मा, कोई चोरी नहीं हुई, आपके मुन्ने ने वैसे ही वाज को तोड़ दिया और छिपाया है। मैम ऐसी बातों के लिए 100 नंबर डायल मत किया करें, समझ गए? ये एक इमरजेंसी नंबर है। यार ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप, फोन दो मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं प्राजक्ता कोड़ी बात कर रही हूँ। बहुत गजब हो गया सर, इट्स एन इमरजेंसी। क्या हुआ मैम, बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही सर। ओके मैम, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, फिर बताइए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, डरिए मत, हौसला रखिए मैम। नहीं सर, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है सर, मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो मुझे छोड़ देगा सर। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ सर, कोई मुझे अगर देख लेगा तो सर, मेरा लाइफ कभी इतना खराब नहीं हुआ सर। मैम आप शांत हो जाइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप प्रॉब्लम बताइए। बैंग गलत हो गए सर, को गन की आवाज में जो बैंग होता है वो सर, वो प्रियंका चोपड़ा ने नहीं करवाए थे आगे वाले अपने बाल छोटे सातरा कट सर, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सर। मैम आपने इसके लिए फोन किया है? मैम दिस इज नॉट एन इमरजेंसी। यस इट इज, इट्स अ फैशन इमरजेंसी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैम एक सेकंड, ये क्या बकवास लगा रखा है आप लोगों ने? मैम सुनिए, 100 नंबर ऐसे ही डायल मत कीजिए, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ बड़े से बड़े प्रॉब्लम रिपोर्ट होते हैं। आपके एक ऐसे कॉल के चक्कर में किसी बहुत ही बड़े उलझन में फंसे इंसान को मदद नहीं मिल पाएगी। अजीब परिवार है, सब कुछ भी बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन पे कॉल करके। प्लीज बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हेलो हेलो सर, हेलो अब क्या, हेलो फोन रखो, नहीं तो अभी भेजता हूं मैं 2 हवलदार को। रख अभी के अभी रख। ओ हेलो एवरीवन, सो क्लियरली 100 नंबर पे फोन करके बेकार वाली बातें ना करें और प्रैंक कॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं। टू नो हाउ सीरियस कॉलिंग ऑन 100 कैन बी, वॉच डायल 100 ओनली ऑन Z5। आई मीन इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म, वी हैव गॉट मनोज बाजपेयी, दैट्स ऑब्वियस। आई डोंट मेक द रूल्स गाइस, इट्स जस्ट हाउ इट इज।